कॉफी विद शेरगुरु। दोस्तों हमेशा आपने देखा है कॉफी विद शेरगुरु में सवाल जवाब का सिलसिला, आज थोड़ा सा इस एपिसोड में हम थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ पांच कॉर्पोरेट कंपनीज के बारे में बातचीत करूंगा। सबसे पहले मैंने लिया एशियन पेंट्स को। दोस्तों ये बता दूं कि एशियन पेंट्स की जब आप वैल्यू देखते हैं आज की डेट में अराउंड 1300 रुपीज का शेयर है, इक्विटी 95 करोड़ की, नेट सेल्स 14165 करोड़ का और नेट प्रॉफिट आता है कुछ 2080-50 करोड़ का। अब यहां पे इस कंपनी के बारे में बताऊंगा कि कंपनी विच वॉज प्रमोटेड बाय अश्विन दानी एंड द अदर पीपल। उस जमाने में जब एशियन पेंट्स आई आपने देखा कि इस कंपनी को बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी से भी कंपटीशन थी, बट दिस कंपनी वॉज एबल टू गेट थ्रू विद दोस कंपटीशन और इन्होंने उस कंपटीशन से बाहर निकले और अपने आप को एस्टैब्लिश किया। आज टुडे द कंपनीज गॉट अ कंप्लीट प्रोडक्ट मिक्स, दे हैव अ ऑल इंडिया प्रेजेंस, पैन इंडिया प्रेजेंस है, बड़ा अच्छा डीलरशिप नेटवर्क है। व्हाट इज रिक्वायर्ड, जब आप पेंट बेचते हैं तो डायरेक्टली तो आप बेच नहीं सकते हैं, तो आपके पास अपना डीलर नेटवर्क बहुत बढ़िया होना चाहिए। उसके बाद जो आप डोमेस्टिक, इसमें आजकल दोस्तों जब लोग घर खरीदते हैं तो घर के इंटीरियर्स में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और बहुत एक इंटरेस्ट होता है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो आपकी टॉयलेट, बिकॉज योर डे स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉयलेट, तो वहां पे आपके जो टॉयलेट में जो आप एक्सेसरीज लगाते हैं वो बहुत बड़ी बेहतरीन होनी चाहिए। और उसके बाद दूसरा आपका इंटीरियर बहुत बढ़िया होता है तो उसमें पेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एशियन पेंट्स ने इस चीज के लिए अपने आउटलेट्स खोले और वहां पे आपको कंप्यूटर के ऊपर ग्राफिक्स दिखा के आपको दिखाते हैं कि कैसे आप करते हैं। आप एक कलर्स देते हैं, उसके बाद फिर उसमें स्टेंसिल्स लगाते हैं तो उसका फाइनल आउटपुट कैसे होगा, उसका कलर पिक्चर आपको देते हैं और आपको गाइड करते हैं। तो बड़े यंग टर्क्स ऐसे इस कंपनीज में काम करते हैं उनके आउटलेट्स में। एंड द कंपनी ऑफ कोर्स हैज गिवन अ रन फॉर द मनी एज फार एज दिस इज कंसर्न्ड, कंपटीशन इज कंसर्न्ड, दिस इज नंबर वन कंपनी टुडे। और यहां पे मैं ये कहूंगा कि इसको क्रेडिबल जाता है, द हैट्स ऑफ टू द प्रमोटर ऑफ द कंपनी अश्विन दानी, उनको मैं सैल्यूट करता हूं कि आज जो उन्होंने इस कंपनी की पोजीशन रखी है इज फैंटास्टिक। तो यहां पे दिस कंपनी इज फैंटास्टिक, तो यहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स को अपने आप ही डिसाइड करना है कि उनको क्या करना है। दूसरे ग्रुप के ऊपर जब चलते हुए किसी दूसरे वर्टिकल में जाते हैं तो सेक्टर वाइज हम बात करते हैं, तो यहां पे बात आती है कैसे भूल सकते हैं ब्रिजमोहन लाल मुंजाल जी को, जिन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत साइकिल से की। साइकिल रिपेयर शॉप भी करते थे, उसके बाद साइकिल बनाते थे। दोस्तों मुझे याद है जब हम भी साइकिल चलाते थे तो हीरो और एटलस की साइकिल होती थी, उसके बाद फिर रोडमास्टर इंडस्ट्रीज होती थी और टीआई साइकिल्स भी होती थी मुरुगप्पा ग्रुप की, लेकिन हीरो का बड़ा नाम होता था। और उसके बाद फिर उन्होंने वेंचर किया, जब ये एक जमाना था जब मोटरसाइकिल सिर्फ राजदूत एस्कॉर्ट्स की चलती थी, धर्मेंद्र उसके ब्रांड एम्बेसडर होते थे और एडवर्टाइजिंग करते थे उसके लिए। और उसके बाद यजदी होती थी, चेकोस्लोवाकिया कंपनी का कोलैबोरेशन था और इंडिया में बनती थी, लेकिन बड़े स्मॉल नंबर्स होते थे। उस जमाने में ये लोन्स भी नहीं होते थे कि लोन्स आप लो और फ्यूचर की डिमांड प्रेजेंट में लेके आओ। और दूसरी कंपनी होती थी आपकी बुलेट, जिसको हम रॉयल एनफील्ड बोलते थे। तो रॉयल एनफील्ड को तो फिर उसके बाद कई वर्षों के साथ बाद बदराज बेस कंपनी को आयशर ने खरीदा और एस्कॉर्ट्स और इन सब ने ज्वाइंट वेंचर्स किए फॉर 100cc बाइक्स में, और यजदी मोटरसाइकिल बिल्कुल खत्म हो गई, राजदूत मोटरसाइकिल खत्म हो गई, एंड देन केम द ईरा ऑफ द 100cc बाइक्स। 100cc बाइक्स में एस्कॉर्ट्स ने किया यामा के साथ, बजाज ने किया कावासाकी के साथ, और हीरो ने ग्रुप ने मुंजाल जी ने किया होंडा के साथ। ओवर द नंबर ऑफ इयर्स कंपनी का ये एक बहुत बड़ा ये हुआ, हमने शिफ्ट देखा कि डिमांड गॉट शिफ्टेड फ्रॉम स्कूटर्स टू मोटरसाइकिल्स, और मोटरसाइकिल्स में लोग खरीदने लगे। जब वहां पे भी थोड़ा सा मार्केट स्टैग्नेंट होने लगा तो उसके बाद फिर आप कुछ इनोवेशन करते हैं, कुछ नई चीज आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो 100cc से 125cc 150cc बाइक्स में गए। तो यहां पे हीरो ने बहुत बढ़िया काम किया, उसके बाद होंडा के साथ उनका ज्वाइंट वेंचर खत्म हुआ। जब ज्वाइंट वेंचर उनका खत्म हुआ तो उनकी एक डील साइन हुई कि देखो भाई हम कॉम्पीट नहीं करेंगे अभी आपके साथ, हम आपको 5 साल देते हैं। तो इनका सबसे पहला प्लांट था दारूहेड़ा में और उनकी एक बड़ी एडवर्टाइजिंग इंपैक्ट बहुत बढ़िया होता था, फिलेट शटेड फॉरगेटेड बहुत बढ़िया उनकी मोटरसाइकिल होती थी, बहुत बढ़िया एवरेज देती थी। और उसके बाद जब ये ज्वाइंट वेंचर खत्म हुआ तो उसके बाद होंडा ने बोला कि हम मनेसर में सबसे पहले हम अपना स्कूटर का प्लांट लगाएंगे, मोटरसाइकिल को हम अभी नहीं बनाएंगे, तो कुछ 5 साल का टाइम दिया। उसके बाद फिर टू व्हीलर्स में मैंने देखा कि मोटरसाइकिल से भी फिर डिमांड फिर शिफ्ट हुई थोड़ी सी, लेकिन लोगों ने मोटरसाइकिल से स्कूटर पे नहीं आए, स्कूटर से लोग मोटरसाइकिल पे शिफ्ट हुए। लेकिन ये जो 125cc का जो होंडा ने जो एक्टिवा ब्रांड लेके आया, वहां पे इन्होंने एक नया सेगमेंट क्रिएट किया, घर गृहिणी
जो माताएं थी जो अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ती थी, उसके लिए आपने एक नया सेगमेंट तैयार किया और बहुत बेहतरीन आपने ये स्कूटर मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। टुडे दे हैव द लार्जेस्ट मार्केट शेयर। हीरो की अगर बात करें तो दोस्तों यहां पे 3500 रुपए का शेयर है, नेट सेल्स ऑफ 32,200 क्रॉस, इट्स अ फैंटास्टिक टर्नओवर ऑफ 32,200 क्रॉस एंड विद अ नेट प्रॉफिट ऑफ 5,244। दोनों ही केसेस में जब आप 2,850 और 5,244 का जब आप प्रॉफिट नेट प्रॉफिट देखते हैं हीरो होंडा या एशियन पेंट्स में, मैं ये कहूंगा कि लुक एट द क्वांटम प्रॉफिट, क्वांटम प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए चलते हैं यहां से फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में नन अदर देन ग्लैक्सो, इसका कई बार नाम चेंज हुआ, पहले ग्लिंडिया होता था, उस जमाने में फॉरेन नेम्स को अलाउ नहीं करते थे, उसके बाद फिर नाम चेंज करके फिर ग्लैक्सो हुआ। ग्लैक्सो ने कई कंपनीज को खरीदा, उसके बाद उन्होंने बिचक्लाइन बीचेम को खरीदा, स्मिथ क्लाइन बीचेम को, उसके बाद बुरुज वेलकम को भी लिया, तो उस तरीके से ये ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन बनी। 2,393 क्रॉस का इनका टर्नओवर है। लेकिन दोस्तों ये बता दूं कि ये अपने तरीके से काम करते हैं कि ये बेसिक अपना कोई बहुत नॉर्मल ड्रग्स नहीं बनाते, इनके ड्रग्स बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। द काइंड ऑफ द रिसर्च इन फैक्ट दिस फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर्टिकुलरली फाइजर हुआ, एबॉट हुआ, ये जो कंपनीज है इनका ऐसा मानना है कि दे आर नॉट लुकिंग इंडिया इंडियन मार्केट वेरी सीरियसली, क्योंकि जो बाकी के ड्रग्स है, समझिए किसी को टीबी होता है, टीबी में आप रिफैम्पिसिन बनाते हैं जैसे, तो एंटी ट्यूबरकुलोसिस के जो ड्रग्स बनते हैं उसमें मार्जिन थोड़ा कम होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसी कंपनीज जिनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट बड़ा स्ट्रांग होता है, ग्लैक्सो जैसी कंपनी, अबॉट जैसी कंपनीज, तो ये लोग कंसंट्रेट करते हैं कैंसर ड्रग्स के ऊपर, जो ड्रग्स की कीमत एक इंजेक्शन की कीमत लाख रुपए डेढ़ लाख रुपए होती है, मार्जिन भी बड़े अच्छे होते हैं। तो यू नो दीज आर दी एरियाज व्हाट दे आर वर्किंग एट। उनको ऐसे ड्रग्स में नहीं जाना है कि जो कॉमन ड्रग्स है जहां पे उसमें 10 कॉम्पिटिशन आ जाए, तो ये कंपनी की कुछ अपना एक तरीका होता है देखने का इस पर्टिकुलर सेक्टर में। और यहां पे मैं बताऊं कि ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन इज डूइंग फैंटास्टिक, वी लुक एट दिस कंपनी 2,920 क्रॉस विद अ नेट प्रॉफिट ऑफ 500 क्रॉस, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज आई वुड रेट एज फार एज द फार्मास्यूटिकल इज कंसर्न। और जैसे मेरी सेकंड फेवरेट कंपनी, जैसे मैंने उसके ऊपर आपको फिगर्स नहीं बताए, बट माय सेकंड फेवरेट कंपनी वुड बी अबॉट। अब चलते हैं दोस्तों एक सेक्टर के ऊपर, वो है सीमेंट। सीमेंट में देखा कि आदित्य बिरला ग्रुप ने बहुत सारा कंसोलिडेशन किया, एलएनटी ने अपना सीमेंट बिजनेस हाईवॉक किया, और एलएनटी के ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन उन्होंने उनके कंपनीज को खरीदा, जो भी कंपनीज उनको मिली उन्होंने कंसोलिडेट किया और अपनी कैपेसिटीज को यूज किया। सो वन इज द ऑर्गेनिक ग्रोथ, और दूसरा होता है कि आप कंपनीज को एक्वायर करें, और दूसरा होता है कि आप ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट डालें, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू गो इन फॉर एक्विजिशन, क्योंकि उसमें आपका जो टाइम पीरियड होता है वो आपका बच जाता है। तो यहां पे बड़ी हाई कॉस्ट देनी होती है। सबसे पहला एक्विजिशन हुआ था जब टाटा के सीमेंट प्लांट को खरीदा था, जहां पे उनका बिलासपुर में था, आरस पांटा में, एंड दैट वाज बॉट ओवर बाय द फ्रेंच कंपनी विच इज नोन एज लफार्ज, विच हैज अ वेरी बिग प्रेजेंस इन इंडिया। टुडे आदित्य बिरला ग्रुप फाइट्स, यू नो आपकी कंपटीशन होती है वर्ल्ड ब्रांड्स के साथ, कंपनीज लाइक जैसे आपकी है लफार्ज इज प्रेजेंट इन इंडिया, होलसिम इज प्रेजेंट इन इंडिया, इटाल सीमेंट इज प्रेजेंट इन इंडिया। और उस जमाने में मुझे याद है एक टेक्नोलॉजी होती थी, उस जमाने में मोदी सीमेंट भी होते थे, उन्होंने भी एक छोटा सा सीमेंट प्लांट डाला था और ब्लू सर्कल टेक्नोलॉजी के साथ किया था, उसके बाद नथिंग इज हर्ड अबाउट दिस कंपनी, बट टुडे दे हैव अ कैपेसिटी, आज बहुत बढ़िया कैपेसिटी है अल्ट्राटेक की, और सीमेंट पे जब आपको बड़ी अच्छी प्राइस रियलाइजेशन मिलती है तो उसके बाद फिर आपका मार्जिन बहुत बढ़िया होता है। यहां पे अगर आप नेट सेल्स को देखें तो इक्विटी 274 करोड़ की और नेट सेल्स है 29,000, ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ के ऊपर आपका नेट प्रॉफिट आता है कोई 3,300 करोड़ का, बहुत बेहतरीन प्रॉफिट है ये। दोस्तों अब बात करते हैं पांचवें सेक्टर के ऊपर, और वो आता है बैंकिंग के ऊपर, और यहां पे मैं बात करूंगा एक न्यू बैंक इनफैक्ट विच केम इन विच गॉट द लाइसेंस एंड दैट इज बंधन बैंक। बंधन बैंक में कैलकटा के थे कोई बिगौली जो इसके प्रमोटर हैं, और उस जमाने में माइक्रो फाइनेंस में थे, माइक्रो फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो मोहम्मद यूनुस ने शुरू किया था बाय द ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश, और उसके ऊपर सबसे पहले विक्रम अकुला ने शुरू किया था एसकेएस माइक्रो फाइनेंस, जिसका नाम चेंज हुआ, बंधन वॉज ऑल्सो इन टू माइक्रो फाइनेंस, देन दे केम इन टू रिटेल बैंकिंग, एंड आई थिंक दिस बैंक विल डू बेटर। टुडे इसके कुछ फिगर्स नहीं है क्योंकि अभी अभी बिल्कुल इन्होंने लिस्टिंग हुई है, तो यहां पे मैं कहूंगा कि जो इसकी लिस्टिंग के बाद आज आप प्राइस देख रहे हैं 478 मेक्स वेरी गुड इकोनॉमिक सेंस इन द बैंकिंग सेक्टर टू कंटिन्यू टू होल्ड बंधन बैंक। तो दोस्तों यहां पे हमारी पांच कंपनी समाप्त होती है, दूसरे एपिसोड में बात करेंगे बाकी किक सेक्टर्स की पांच कंपनीज। वेट एंड वॉच। थैंक यू सो मच।